हमारे यहाँ पे सैंपलिंग हो रही है, मैं खुद अपना कराने जा रहा हूँ। अरे सब सॉफ्ट टॉय धुले हो क्या? हाँ। अब सुखाने चल रहे हो धूप में? अरे क्या बात है, लॉकडाउन में साफ सफाई का पूरा ख्याल, सब अपना अपना। आ जाओ। ओ ओ फैला दो। थक गए क्या बेबी? बहुत काम बेचारा, सारा वाश किए आरओ सिंह, ले जाके वॉशिंग मशीन में पूरा डलवा के मम्मी से साफ करवाए हैं और ले आके अब फैला रहे हैं। लॉकडाउन में ये साफ सफाई का दिखा रहा है कि साफ सफाई रखेंगे तो और दिलाइए। हाँ, साफ सफाई रखना चाहिए, बच्चों के अंदर भी होना चाहिए, तो सबको ट्रेनिंग देनी चाहिए। कि कुछ दिन पहले साइकिल वाइकिल भी साफ सफाई किया था। हाँ। साइकिल भी साफ किए थे? हाँ। और अपनी कार भी? हाँ। वेरी गुड, ऐसे करो। ए टैडू नहाया? टैडू नहा लिया? वाह, ये देखिए सब चमकने लगे। ये पेपा पिग है, ये फलाने वो है, ये फलाने ये है, ये है, जो क्या बात है, बड़े सुंदर है आरव। हाँ। नहा लिए क्या? हाँ। बेबी नहाएगा? जाओ बकेट रखाओ, गो। लॉकडाउन में मैडम का ब्यूटी पार्लर खुलने वाला है। अभी एक लिस्ट मिली थी, उस लिस्ट को ले जाके सब ले आए हैं, वैक्स से लेके हीटर तक। लगता है दुकान उकान खुलने वाली है लॉकडाउन में, तो सब आ गया है और घर पे ही वैक्सीन। कहाँ हो, दिखाओ चेहरा, अभी यहाँ तैयारी चल रही है। अरे यार, तो घर में पागल हो जाए आदमी, वैक्सिंग वैक्सिंग नहीं करे आदि मानो थोड़ी। तुम तो पूरा लगे ब्यूटी पार्लर खोल दोगी। अरे बहुत दिन तक ऐसे ही चल रहा है। बोले की हाय मिल्क। हाँ, मिल्क को गंदा। हाल कभी गंदा है, उसको भी क्लीन करना है। ये गंदा। लेकिन तुम बहुत बदमाश हो आज। हाल कैसे करता है? स्पाइडरमैन इस लॉकडाउन में आरव सिंह को आत्मनिर्भर कर दिया है। आरव सिंह पॉटी अपने से सुसु अब डायपर नहीं यूज करके, रात में डायपर पहनाया जाता है थोड़ा बहुत, लेकिन सुबह उठते ही वो निकाल के बाहर जाके सुसु करता है। क्यों? इस बाथरूम में पॉटी भी अपना करता है, पैंट भी पहन लेता है, टी शर्ट अभी नहीं पहन पाता है लेकिन सारा उतार लेता है। तो इस लॉकडाउन में बहुत कुछ सीखा है। और मिल्क देखो, मिल्क मिल्क पी दिखाओ। गुड बॉय गुड बॉय गुड बॉय। रोटी भी खाता है अपने आप। कार ओके बाय। आज है बैगन, भिंडी बन गई है, भिंडी है बैगन। हाँ यही हेल्दी हेल्दी बनाओ, सिंपल सिंपल। तुम्हारे सारे सामान आ गए हैं? कौन से सामान? अरे वो जो वैक्स हीटर, और उसके बाद क्या है, चॉकलेट वैक्स, लिप वैक्स, फेस क्रीम, आइसक्रीम, नहीं आइसक्रीम नहीं आइसक्रीम कब से मांग रहे हैं, वो नहीं आ रहा है। फेस क्रीम, उसके बाद ऑक्सी ब्लीच, पूरा एकदम आपके लिए, तुम्हारे लिए भी है ऑक्सी ब्लीच आपके लिए। हम तो डिटेल लगा। अच्छा, इस लॉकडाउन में पूरा घर में ही ब्यूटी पार्लर खुल जाएगा। चलो पैसे की बचत है, पैसे की बचत है, बट अब इस समय जाना भी सेफ नहीं है, बहुत दिन तक अभी ऐसे ही रहेगा। अब अगले साल ही सब ब्यूटी पार्लर में जाएं, सब अपने घर पे ही करें और सीख लें, हर चीज सीखे। मेरा तो ट्रिमर आ ही गया है। चेहरा दिखाओ, अपर लिप दिखाओ। देखो अपर लिप का वैक्सिंग हो गई है क्या, एकदम मर से मर्दानी हो गई तुम तो। अब धीरे धीरे आप लोगों को दिखाया जाएगा एक एक मानव से मानव कैसे, आदि मानव से मानव कैसे बने। वाव, पूरा पीला ही पीला क्यों आ रहा हो? देखो, हेलो गुड इवनिंग, खूब हवा चल रही क्या? मौसम बड़ा सुहाना है, इसके साथ एक चाय चुस्की मिल जाए, चाय पिला दो। बहुत आंधी तूफान आ रहा है आज शाम से, हर जगह उन्नाव में ओला पड़ा हुआ लग रहा है, प्रयागराज में भी पड़ने वाला है। मौसम एकदम चारों तरफ पीला हो गया है और बादल की आवाज खड़ा कड़ 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 कर रही है।
ये है एक्सरसाइज, ये हुआ था कि अब कुछ नहीं खाएंगे, फिर दो गुलाब जामुन लेके मैडम आ गई। अच्छा आखिरी है, तो आज खा लें यही आज 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 और क्या है, एक दृढ़ संकल्प होना चाहिए। अरे तो ठीक, और बीबी हमारा यहाँ केक लेके बैठा, कोई हेल्दी पन नहीं है कहीं मार्केट में। अरे तो पूरा हेल्दी ही हम खाते हैं, दिन में साग खाया गया था, साग खाई थी लेकिन कही थी ना कि कुछ नहीं खिलाएंगे तो कहाँ, बस एक बस इसके बाद चलो आज खा लेते हैं, कल से एक्सरसाइज शुरू करें। एक्सरसाइज तो आज ही से कर, नहीं अब शुगर ज्यादा है तो अब थोड़ा ना बाबू। गुड इवनिंग हो गया है और मौसम बड़ा सुहाना है, बस गुलाब जामुन खा के अब हम लोग चल रहे हैं वर्कआउट करने। वाओ क्यों आज हमारे यहाँ साउथ इंडियन सांभर, सिर्फ मेरे लिए है। अच्छा हम खाएंगे नीनुआ और ये खाएंगे सांभर, तो खाएंगे खिचड़ी, तीन लोग हैं, तीन तरह का बनेगा। बीबी खाएगा खिचड़ी, खिचड़ी खाएगा कैसे सांभर बना रही हो आज? ऐसे बहुत बहुत साल हो गए सांभर चावल खाए। अच्छा बड़ा आज हाथ उधर तुम्हारे चिकने चिकने लगे, क्या की हो आज आपने? पूरा ग्रूमिंग सेशन मेरा, आज ग्रूमिंग सेशन, आज पूरा वैक्सिंग हुई है, वैक्सिंग मशीन भी मंगाई थी, कहाँ गए दिखाए नहीं लोगों को, अब वैक्सिंग करते हुए कैसे दिखाते। तड़का 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 वाह, प्याज अच्छी गोल्डन ब्राउन हो गई है, अब इसमें हम अदरक ऐड कर देंगे, ये अच्छे से सारी चीजें अब भुन चुकी हैं। अब राइस में से पानी निकाल के इसमें हम राइस ऐड कर देंगे। हमारे यहाँ पे सैंपलिंग हो रही है, मैं खुद अपना कराने जा रहा हूँ और ये टीम आई हुई है अंदर अंदर। अरे जब ये लोग कंप्लीट कर लें तो फिर हम लोग कराते हैं अपना। अब तो ये महामारी आए दिन बढ़ता जा रहा है हर जगह, चाहे मुंबई दिल्ली बड़े बड़े महा में लगता है कम्युनिटी स्प्रेड हो गया, हर जगह हो गया। तो आप लोग अनलॉक वन चल रहा है, लेकिन अनलॉक होने सरकार के खोलने या बंद करने से ये महामारी जाएगी नहीं, तो इसके लिए आप लोगों को प्रिकॉशन लेना है। अगर आप लोग मार्केट में जा रहे हैं कहीं कुछ हो रहे हैं तो प्रॉपर सेफ्टी मेजर और जितना ज़रूरत हो उतना ही निकलिए, बहुत ज़्यादा घूमने टहलने के एक साल घरों में अपनी कैद रखिए, थोड़ा बहुत निकलिए, जो भी ज़रूरत की सामान है लेकर आइए। जो ओल्ड एज हैं और बच्चे हैं इनको विशेषकर घर में ही रखें, और कोई भी बाहर की चीज़ आती है तो आप लोग प्लीज़ उसको प्रॉपर सैनिटाइज करके धुल के ही तभी यूज करिए, जो धुलने वाली चीज़ें हैं धुल लीजिए, जो पैकेट हैं कपड़े हैं सब कुछ चीज़ें करने के बाद ही करिए, और जितना ज़रूरत हो उतना ही निकलिए, क्योंकि अनलॉक होने से मतलब ये नहीं हो गया चीज़ें सारी खुल गए तो सारी चीज़ें कम हो गया, अब खतरा और बढ़ेगा तो इस समय सावधानी और ज़रूरत है। आज प्रयागराज में सैम्पलिंग टीम जो स्वरूप रानी में है, कलिंदीपुरम में है, वहाँ से टीम भेजी गई थी यहाँ ब्लॉक लेवल पर, लोगों का सैंपल लेना था, तो स्टाफ लोगों का भी कुछ हुआ, मैंने भी कराया था, गला और नाक का स्वैब लिया जाता है। एक बार टेस्ट करा लेने का ये मतलब नहीं है कि अब नहीं होगा, लेकिन यह है कि ये तो फिर हो जाएगा कि अभी तक नहीं है। पहले तो बड़ा घबराहट, दूसरे के कराना और अपना कराना थोड़ा थोड़ा घबराहट हो रहा था क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन यह है कि कराया गया। चलिए भगवान से दुआ करिए कि 48 घंटे बाद जब रिपोर्ट आए तो नेगेटिव आए और हम लोग सकुशल रहें। एक दो दिन से थोड़ा सा हम गले में खराश और इस टाइप का लग रहा था, डर भी लग रहा था, तो हमारे यहाँ टीम आने वाली थी तो मैंने जांच अपना कराया, अब क्या पॉजिटिव है कि नेगेटिव है अब उसको रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। तो आप लोग रिपोर्ट आता है तो हम आप लोगों को बताते हैं क्या रिपोर्ट आया।